नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेताया कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले से दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में मोहाली व पंचकुला में किसानों और पुलिस में हुई झड़प। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े। पीएम मोदी ने अयोध्या को हर भारतीय की संस्कृति चेतना में उकेरा हुआ शहर बताया। उन्होंने कहा कि इस नगरी में बेहतरीन परंपरा और सर्वोत्तम विकास परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए। इसके मानव लोकाचार और भविष्य के बुनियादी ढांचों से मेल खाना चाहिए। बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा नेता रेखा की हत्या में शामिल होने के संदेह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ज्ञात रहे कि गुरुवार को दिन दहाड़े एक सशस्त्र गिरोह द्वारा महिला भाजपा पार्षद की हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो में होने वाले इस साल के ओलंपिक खेलों में जीतने वालों के लिए इनामी राशि का घोषणा किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि इस टोक्यो ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले को राज्य सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कहा कि नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बिहार, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के वन क्षेत्र में नए जल क्षेत्र और चारागाह तैयार करने से जुड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज तक 31 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई है। राहुल गांधी ने किया किसानों का समर्थन, कहा हम अन्नदाता के साथ हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अयोध्या के विकास कार्य की समीक्षा करने के साथ ही CM योगी आदित्यनाथ के रामनगरी को लेकर विजन डॉक्यूमेंट देखने के फैसले पर रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की। आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम निश्चित रूप से रामनगरी अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनका पैर छूऊंगा, लेकिन नीतियों पर उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं तेजस्वी यादव के साथ आने के ऑफर पर चिराग ने कहा धन्यवाद। राकेश टिकैत को दिल्ली में गिरफ्तार करने की उड़ी अफवाह, तो दिल्ली पुलिस के DCP ने कहा कि फर्जी खबरें और ट्विटर पर ध्यान ना दें। चंडीगढ़ में दाखिल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के हरविंदर सिंह लखोवाल ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछार क्यों चलाई, जबकि हम कह चुके हैं कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण है। चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात नहीं की, सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के मौजूदा DGP मनोज यादव का हटना तय हो गया है। यादव के पद छोड़कर वापस केंद्रीय सेवा में जाने की इच्छा जताने के बाद राज्य के नए DGP की तलाश आरंभ हो गई है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कुमानी विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर राधा कृष्ण भवन के जीर्णोद्धार एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ कॉलेज मूट कोर्ट का लोकार्पण किया। झारखंड के देवघर में एम्स के OPD उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टालने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान बताया। वहीं गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एम्स OPD के उद्घाटन नहीं होने का सारा ठीकरा झामुमो सरकार पर फोड़ा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 78 दिनों बाद सभी धर्म स्थलें शनिवार को खोल दिया गया, जहां सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में एक साथ 5 भक्तों के जाने की अनुमति मिली। जबलपुर जिले के पाटन से विधायक अजय किसनोई के ट्वीट से एक बार फिर से राजनीतिक गर्मा गई है।
ट्वीट में विधायक ने कहा कि विगत दिवस सांसद मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की उससे वेटनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं होता, परंतु यह जरूर सिद्ध होता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला है। मैं शर्मिंदा हूं कि वे मेरी पार्टी की सांसद हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। पंजाब से सटे जिलों में कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में खास सतर्कता बरती जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बेटे की शादी के बजाय सर्वदलीय बैठक को दी प्राथमिकता, जहां वे अपने बेटे की शादी समारोह को बीच में ही छोड़कर सर्वदलीय बैठक में चले गए, ये उनके कार्यशैली को दर्शाता है। बंगाल विधानसभा में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता वैक्सीन फर्जीवाड़ा मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की। उड़ीसा में भी मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का सम्मन। अनिल देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 123 कोरोना के नए मामले मिले, वहीं 3 लोगों की गई जान। राजस्थान उपभोक्ता नियामक ने मोबाइल कंपनी द्वारा परिवादी की पोस्ट पेड सेवा बंद करने एवं प्रीपेड सेवा में लंबे समय तक नहीं चालू करने को लेकर सुनवाई के बाद वोडाफोन एसआर को 21,000 रुपये बतौर जुर्माना देने का निर्देश दिया। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक सुबह फलों को खाने का सही समय होता है, आयुर्वेद भी यही कहता है। खट्टे फलों को छोड़कर बाकी फलों को खाली पेट ही खाना चाहिए। कुछ लोग खाने के बाद फलों का सेवन करते हैं जो गलत है। खाने के बाद फलों का सेवन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी केंद्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती चल रही है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट balvikasup.gov.in पर 16 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर महेंद्र अमरनाथ ने टीम की मौजूदा कप्तान विराट कोहली का समर्थन किया और कहा कि उनको भारतीय टीम का कप्तान बने रहना चाहिए, क्योंकि वे उनमें वीवी रिचर्ड और रिकी पॉन्टिंग की झलक देखते हैं। कुमकुम भाग्य के एक्टर जिसान खान ने बाथरूम में ही ली फ्लाइट, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो को शेयर करते हुए जिसान ने कैप्शन में लिखा कि रॉम में ट्रेवल करना गलत है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।